सर वीडियो बंद हो गया। अरे नाही बघत कोण तुला? अरे उपचारिक म्हणजे काय? उपचारिक म्हणजे काय? उपचारिक पत्र एक चीज दस बार बोलना पड़ता है, पांच लीटर की चिल्ला रहा हूँ। Thank you.
तुम्हारे
Gracias.
जब से
से आई तो सबसे पहले मैं कौन संजना है कौन संजना है संजना वर्क ऑफ सीरियस नहीं पढ़ाया अच्छा हम बताए कि वो लिखे कर अच्छी बात अच्छा हम बोले नहीं तुम इतना मतलब खाना खाओ या तो खाना मत खाओ कर भगत मैडम आप कैसे अभी ना भगत पहली बार सुना इधर इधर बस इधर बस है हाँ बोलो क्या हुआ हाँ सूर्या भाई क्या हुआ अच्छा वो पकड़े नहीं तो स्प्रेड करवाते अरे आगे के तुम्हारा हैंडराइटिंग पूरा ऐसा स्टार्टिंग में अच्छा लगता है बुक का भी पेट भर गया आगे आगे खत्म हो गया क्या आवाज है इतिहास रचा है तुमने भगवत का बुक किसने पहली बार खत्म किया है 100 पेजेस का छोटे मारू या धक्का दू हां बोलना सीधा उड़ रहा था ऐसा ऐसा उसके ग्रुप ने बताया मंदार का भाव उनको तो मंदार मालूम है सकल उनके सकल मिलता है राज यस सर खाना खाया नहीं खाया क्लास के बाद अभी तो चबा रहा था कुछ तो वो ऐसे ही खा रहा था वो ऐसे ही ना अच्छा रेशमा चलो वीडियो ऑन करो सर आपका वीडियो ऑफ है सर आपका वीडियो ऑफ है चैप्टर आधा हो गया था लास्ट लेक्चर में अभी आधा कंप्लीट करना है आगे चोपड़े सर बैठो आप छोटू आप भी बैठ जाओ ठीक है चोपड़े सर ने बोला जरा चापड़े सॉरी ठीक है मेरे को वो लगाना है चोपड़े बोल ठीक है फाइन गुप्ता जी पानी मैंने पिए आप ठीक है नायक पटक पानी पिए आपको डर थर थर रहे थे आप पानी मैंने पिए शकल सर आपको वीडियो ऑफ है ठीक है हाँ हो गया जरा तसल्ली हो गया जरा हाँ दिन बन गया जरा मेरा मुंह देखिए हाँ सर ठीक है
लास्ट लेक्चर में कुछ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बताया था मैंने, yes or no, ठीक है, कुछ डायग्राम बताया था, डायग्राम के ऊपर मैंने अभी उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करना, आगे के टॉपिक में अपने पास से फैक्टर्स है, क्या है फैक्टर्स, अभी देखते हैं थोड़ा फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, क्या बोलने का, फैक्टर्स दैट ठीक है, चलो अभी एक सेकंड मेरे को मेरा जो हैंड रिटन नोट्स से बोल सर है ना वो बताता हूँ, वो भी है उसके आगे आगे का ही पार्ट बियॉन्ड डबल तुम डर फाइल नहीं पा रहा है तुम्हें आकर बोलता हूँ बात फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी वाटर में सबसे पहला फैक्टर मतलब सरफेस टेम्परेचर और मेरे को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सरफेस वाटर और डीप वाटर बताना याद है आपको कि नहीं याद है ठीक है सरफेस वाटर और डीप वाटर दोनों टेम्परेचर सेम रहेगा या अलग रहेगा अलग रहेगा बिकॉज सरफेस टेम्परेचर मतलब वहां तक सनराइज जाता है और एक पॉइंट के बाद सनराइज नीचे जाने वाला नहीं है जहां तक सनराइज नीचे जाता नहीं है वो कौन सा हो गया डीप वाटर ठीक है थोड़ा नोट्स पे ध्यान दो सब लोग ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी वाटर में सबसे पहले वाला पार्ट है साइक्लोन क्या पार्ट है साइक्लोन उसके बाद है रेनफॉल सी वेव्स ओशन करंट्स सैलिनिटी पोल्यूशन कन्वेक्शनल करंट्स एंड सीजन्स तो ये सब जो भी फैक्टर्स है ये सब फैक्टर्स सरफेस टेम्परेचर चेंज करने के पीछे इनका हाथ होता है सरफेस टेम्परेचर चेंज हुआ अभी समझो ना सरफेस ये पानी का सरफेस है ये पानी का टॉप का पार्ट है इसके ऊपर से अगर कोल्ड विंड जाता है ऊपर का सरफेस वाटर कोल्ड रहेगा कि हॉट रहेगा टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बराबर ठीक है तो दैट इज द मेन थिंग ये सब फैक्टर्स है जो फैक्टर्स आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सी टाइप्स क्या है अपने पास दो टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सी भी है फर्स्ट वन सेकेंड वन अगर दोनों डायग्राम आप बराबर देखोगे प्रॉपरली देखोगे तो लैंडलॉक सी चारों तरफ से लैंड से कवर्ड है Yes or no? Yes. और ओपन सी कई एक तरफ एक साइड से मैंने ओपन रखा है बराबर की नहीं है yes. हाँ या नहीं बोलो यार बंदा जी अकेला बोल रहे अक्षर अक्षर बैठा वापस हाँ ओपन सी और लाइन लॉक सी सबसे पहला चीज अभी सी बोला है मतलब कौन सा वाटर फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर बराबर ठीक है अभी वो एक सी है जो चारों तरफ से लैंड से कवर्ड है किससे कवर्ड है yes. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर पानी में सॉल्ट पार्टिकल्स है तो पानी इवापोरेट हो जाएगा लेकिन सॉल्ट पार्टिकल्स वहां पे ही बचा रहेगा मैंने आपको ये बताया था सॉल्ट पार्टिकल्स वहां पे बचा है उसके अंदर अभी मैं फ्रेश वाटर डाल रहा हूँ तो फ्रेश वाटर भी वापस किसमें कन्वर्ट होगा सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट होगा तो अभी मुझे बताओ ये लैंडलॉक सी है मतलब चारों तरफ से लैंड से कवर्ड है इसको सिर्फ फ्रेश वाटर सिर्फ रेनफॉल से मिलने वाला कहा से मिलने वाले बाकी रिवर वगैरह उसको कुछ मीट हो रहा नहीं मतलब उसके पास फ्रेश वाटर सिर्फ एक ही से आ रहा है वो भी कौन कहा से आ रहा है रेनफॉल से मतलब रेनफॉल भी आने वाले अनइवन मतलब कम ज्यादा होता है क्या प्रॉपर होता है अनइवन होता है कम ज्यादा रेनफॉल ठीक है तो हम इसकी वजह से लैंडलॉक सी का हमेशा सैलिनिटी क्या रहेगा क्या लिखा है मैंने सैलिनिटी क्या लिखा है टेम्परेचर ज्यादा लिखा है मैंने टेम्परेचर ज्यादा के बाजू में हीट ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगा ज्यादा रहेगा रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा है तो वहां पे सैलिनिटी भी क्या रहेगा बिकॉज देखो बारिश 3 ही महीना रहेगा ज्यादा से ज्यादा और 3 महीना बारिश भी अनइवन रहेगा आज गिर रहा है कल नहीं परसों गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं अनइवन तो 12 में से 9 महीना बाकी अलग सीजन 3 महीना का है रेनफॉल अभी वो 9 महीने में इवापोरेशन तो होगा कि नहीं होगा सॉल्ट पार्टिकल्स वहां पे बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा सॉल्ट पार्टिकल्स वहां पे बचा है इसका मतलब वापस अगर रेनफॉल आ रहा है तो वापस वो रेनफॉल किसमें कन्वर्ट होने वाला सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट होगा तो इसकी वजह से आपने वो लैंडलॉक सी में क्या मिलता है सैलिनिटी क्या मिलता है ज्यादा अभी देखो ओपन सी देखो ओपन सी को एक तो फ्रेश वाटर बारिश से भी मिल रहा है और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज रिवर आके मीट हो रहा है कौन आके मीट हो रहा है और रिवर में कौन सा पानी होता है फ्रेश वाटर होता है रिवर के अंदर कौन सा पानी होता है एक चीज याद है ओशन और सी में सिर्फ सॉल्ट वाटर मिलेगा आपको
आपे ओशन और सी में ही आपको सॉल्ट वाटर मिलेगा, ठीक है, रिवर्स कैनल्स वगैरह लेक्स वगैरह ये जो भी सब चीज है वो आपको वहां पे क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर, समझा? इसलिए मैंने बोला ओपन सी में, लैंड ओपन सी में आपको जो पानी है फ्रेश वाटर वो दो तरफ से आ रहा है, रेनफॉल से भी आ रहा है और रिवर आके मिड भी हो, तो यहाँ पे सैलिनिटी कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा सैलिनिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, दो तरफ से आ रहा है रिवर से भी। अरे इतना मैंने नमक लिया, इतना मैंने पानी लिया, मुझे बहुत बोलते ना नमक वाला पानी लगेगा, मैंने नमक इतना रखा, पानी का कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, जितना पहला नमक वाला पानी लग रहा था उतना लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वैसे सेम यहाँ पे अगर फ्रेश वाटर दो जगह से आ रहा है, रेनफॉल से और रिवर से, जिसकी वजह से अपने को वहाँ पे सैलिनिटी क्या मिलता है, कम, या नहीं? डायग्राम दिया उसके बाद कि नहीं दिया, ठीक है, वही डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रॉपिकल एरिया है सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया है सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, फाइन। चलो देखते हैं ट्रॉपिकल एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या, लास्ट लेक्चर में जो बताया, ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एंड होता है, बीच में इक्वेटर भी आता है, तो जो सर पूरा एरिया हुआ वो कौन सा एरिया हुआ, ट्रॉपिकल एरिया, बराबर, ठीक है। सेकंड चीज, सब ट्रॉपिकल मतलब क्या सर, जो एरिया कैंसर के ऊपर है और जो एरिया कैप्रिकॉन के नीचे है सर, वो पूरा हुआ मेरा सब ट्रॉपिकल। अगर ये सर दोनों एरिया को मुझे कंपेयर करना है तो मुझे ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, सब ट्रॉपिकल में मुझे टेम्परेचर कम मिलता है, याद रहेगा वो कंडीशन ना, एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, कंडीशन पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा, बराबर वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। वहाँ पे दो नया वर्ड से, अभी दो नया वर्ड से वहाँ पे सब ट्रॉपिकल, सॉरी एक सेकेंड, पहला एक ब्योंसी करके जो एक कंसेप्ट है वो एक मैं बता देता हूँ, ब्योंसी, बराबर है, इसका आपको लास्ट पेजेस पे ग्लॉसरी करके रहेगा, टेक्स्ट बुक ग्लॉसरी करके, जो इसको आप कभी देखते नहीं हो, वहां पे बी में जाओ, अल्फाबेटिकली बी में जाओ और वहां पे लिखा रहेगा आपको मीनिंग क्या है, पहले वर्ड आपके सामने ही है, आप किताब पे देख रहे हो, आपके सामने ही है वर्ड और इधर उधर ढूंढ रहे हो आजू बाजू में, मिला कॉम्रेड्स, बहुत मैडम मिला, समझा? कपड़े तेरे हाथ में लग मत, जितना पढ़ाई करता वो भी भूल जाएगा, तो पढ़ो वो सेंटेंस क्या क्या समझता है देखो, थोड़ा क्या बता रहा तुमको, ये बोला ना, समझा हो क्या, एक चीज बताता हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना, मैथ्स में साइंस में आगे सुनो, ठीक है, हायर लेवल पे जब जाओगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो पानी ज्यादा सॉल्टी होता है उसके ऊपर आराम से जो भी हेवी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट हो सकता है, इसको बोलते हैं अपन बियॉन्स, और बियॉन्स को किसने बनाया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसने बनाया था, आर्किमिडीज, रिवर वगैरह में लेक्स वगैरह में बड़ा बड़ा शिप्स आता है क्या, नहीं दिखता आपको, और जहां तक है जो वाटर ज्यादा सॉल्टी होता है या जो वाटर सॉल्टी होता है उसके ऊपर ये हेवी ऑब्जेक्ट इजिली फ्लोट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं, समझा कि नहीं समझा,
ये डिराइव किया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आपको बाद में एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में, इन्हें भी एक्सपेरिमेंट टाटा नाम उपयोग दिया है इसमें, ऑल डी आई देखो पेज नंबर 51 पे, इस नंबर 51। ठीक है, पात्रा गढ़ रहे जोर से पढ़ो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर पढ़ने। एक 1.5 लीटर्स, जोर से, और ये बिल्ली ऐसा एक 1.5 आवाज मत निकाल। एक 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए बिग कंटेनर, पुट 100 ग्राम सॉल्ट इन इट एंड नाउ टेक बिग कंटेनर ऑफ सेम साइज टू आइडेंटिफाई देम, पुट थ्री डॉट ऑफ डिफरेंट कलर ऑन देम। Put the water containing salt equally in the three containers. Make sure the containers are half empty, half filled the water. Get the water out of the three containers. Keep boiling the sun outside, cover it with mesh lid. What are you? Keep the remaining two in the classroom. Cover them with net leaves too. Put half a glass of fresh water daily in one of the containers in the classroom. After 3-4 days, bring all the containers together at one place. Observe the level of water in all the three containers. Taste the water in all the three containers. Experience the difference in the taste. Write about all the three tastes in one line each. ठीक है, बैठ बैठ, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने 1.5 लीटर क्या लिया, पानी लिया, 1.5 लीटर के अंदर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट डाल मिक्स किया, तीन बॉल लिया उन्होंने, तीनों बॉल शेप सेम साइज और सेम शेप का। अभी वो जो 1.5 लीटर पानी से था ना मिक्स वाला सॉल्ट वाटर, वो तीनों बॉल में उन्होंने सेम लेवल में डाला, उस लेवल में सेम बराबर तीनों बॉल को उनको उन्होंने अलग अलग डॉट्स दिया बॉल के ऊपर आइडेंटिफाई करने को। उसमें से एक बॉल फर्स्ट वाला जो बाउल है उन्होंने सन के नीचे रखा, किसके नीचे रखा, और बाकी बचा हुआ जो बाउल है बी और सी, ठीक है, वो उन्होंने क्लोज रूम में रखा, क्लोज रूम। उसमें से भी उन्होंने क्या किया, जो सेकेंड वाला बाउल है उसके अंदर उन्होंने फ्रेश वाटर क्या किया, एड किया अलग से बराबर। ये एक्सपेरिमेंट उन लोग ने क्या किया, चार दिन किया, चार दिन के बाद उन्होंने क्या किया, तीनों बाउल को वापस एक साथ लेके आए। मेशलेट मतलब क्या होता है, बाउल को ऊपर से उन्होंने वो कवर कर दिया, मेशलेट मतलब इसके ऊपर डॉट्स होते हैं ना वो मेशलेट बोलते हैं, उसे कवर कर दिया। चार दिन के बाद वापस वो तीनों बाउल को उन्होंने एक साथ लाया, तीनों बाउल को उन्होंने एक साथ लाया तो अभी डिफरेंस देखने का, ए वाला उन्होंने सन के नीचे रखा था बराबर, बी और सी उन्होंने कहाँ पे रखा था, क्लोज रूम में रखा, लेकिन उसमें से भी बी वाले में उसने क्या किया था, फ्रेश वाटर ऐड किया था, सी एज इट इज था बराबर। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन से पानी का लेवल कम हुआ रहेगा, ए बी सी, संकेत से लिखा था इवेपोरेट हुआ रहेगा पानी बराबर, क्या है ठीक है, किसका लेवल इंक्रीज हुआ, बी, उन्होंने फ्रेश वाटर ऐड किया था, बी का लेवल क्या हुआ इंक्रीज, किसका लेवल सेम था, सी, कौन सा वाटर सबसे सॉल्टी रहेगा, सी, ए, इवेपोरेट हो गया ना सर, और पार्टिकल स्वाभ ही बचा ना, कितने बचा, सबसे ज्यादा सॉल्टी बच्चा, क्या रे विजय बोलता है मेंढक, हाँ क्या हुआ राज सर, मेस्टलीड मतलब, मेस्टलीड मतलब एक प्लेट होता है उसके ऊपर डॉट्स होता है ना छोटा छोटा डॉट्स, हाँ सर उसको बोलते हैं मेस्टलीड, ओके सर, हाँ ठीक है। इवेपोरेट हुआ पानी, जो पानी सबसे ज्यादा इवेपोरेट होता है वो सबसे ज्यादा सॉल्टी होता है, ये चीज याद रखो ठीक है। तो अपने को सबसे ज्यादा सॉल्टी कौन सा मिला, सबसे कम सॉल्टी कौन सा मिला, आपने फ्रेश वाटर ऐड किया था ना कि नहीं किया था बराबर, और सेम कांस्टेंट कौन था, समझा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट समझा क्या किया उन्होंने, ठीक है। एक्सरसाइज हमेशा याद रखो, जो भी पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है वो सबसे ज्यादा सॉल्टी होता है, और जो पानी सॉल्टी है उसके अंदर अगर मैंने फ्रेश वाटर ऐड कर दिया तो लेवल उसका इतना था, अभी लेवल इतना हो गया, तो सॉल्टीनेस जितना पहला था उतना सॉल्टीनेस अभी आपको मिलने वाला नहीं है, कम सॉल्ट मिलेगा आपको, इज इट क्लियर।
या नहीं? ठीक है, चलो अभी नीचे वाला देखते हैं कि आप मैंने अभी इसमें क्या दिया है। पढ़ाई करके आया धक्का मार के शक्ल देखा है पढ़ाई करने वाला जो बोल रहा पढ़ाई करके आया तो क्या लगता है धक्का की पढ़ाई मेरे को 100% सबका धक्का लगता है। ठीक है ना, यही चैप्टर का भी यही चैप्टर का कंसेप्ट टुडे स्टैंडर्ड में था कुछ पढ़ाई नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन तो समझा कि तूने आंसर दे दिया, अभी वापस मैंने एक्सप्लेन किया तो वापस मेरा आंसर क्या है? सैलिनिटी एक लिखा रहेगा मैंने, लिखा है सैलिनिटी, सैलिनिटी के आगे लिखा है मैंने टेम्परेचर हाई हीट ज्यादा। सबसे पहला पॉइंट, जिस जगह पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, अभी जिस जगह पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा और वहां पे हीट क्या रहेगा? ज्यादा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है बट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? कम है। एक तो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है पर फ्रेश वाटर का सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या बोला मैंने? मैंने कुछ बोला ना? कुछ बोला ना? क्या बोला? जाने पढ़ाई पे, अभी पढ़ाई पे जाने तो बोलना क्या बोला। भारत में ऐसा तो है ना कि काई पन कर रहे थे छोड़ो कुठे कुठे नव्हता मम्मी जी बोलते येत काय ना तुला आता सोडतोय परत नाही सोडणार लक्षात ठेव बट दिस जगह पे रेट ऑफ इव्हेपोरेशन ज्यादा है बट वहां पे फ्रेश वॉटर का सप्लाय कम है तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो इवेपोरेट हो रहा है पानी बराबर, लेकिन सॉल्ट क्रिस्टल्स वहाँ पे प्रेजेंट है और ऊपर से फ्रेश वाटर का सप्लाई कम है, फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा नहीं है तो सर मुझे वहाँ पे सैलिनिटी क्या मिलेगा? ज्यादा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ। सेकेंड वाला उसका उल्टा है, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है बराबर और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ज्यादा है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर के आगे मैंने एरो नीचे किया है, कट करो एरो ऊपर करो। सेकेंड वाला पॉइंट क्या उल्टा है, जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? ज्यादा। सर एक तो पहले इवेपोरेशन कम हो रहा है ठीक है और सेकेंड चीज सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा है तो सर ऐसे केस में मुझे सैलिनिटी क्या मिलेगा? कम मिलेगा सैलिनिटी बराबर। थर्ड पॉइंट सर, जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही सेम फ्रेश वाटर का सप्लाई है, दोनों कांस्टेंट, तो मुझे वहां पे सैलिनिटी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा या सैलिनिटी मीडियम मिलेगा? मीडियम मिलेगा। सर जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर क्या हो रहा है? आ रहा है, दोनों बैलेंस है। अगर दोनों सर चीज बैलेंस है तो मुझे सैलिनिटी क्या मिलेगा? कांस्टेंट। समझा? नहीं समझा? तीनों पॉइंट में कुछ डाउट है कि नहीं? ठीक है, अभी डायग्राम निकाल दो बोर्ड के ऊपर, जो लास्ट लेक्चर में से मैंने डायग्राम निकाला था वही से। ठीक है, जाना जल्दी करना है, बोलो तो लिया अभी उस दिन वो मोबाइल देने का इतना मोबाइल देने के लिए सब रीजन बताया था ना।
दिमाग वाला इंसान है इतना भी मत नहीं पड़ेगा जानवर से इतना डर नहीं क्या मैं जानता देखे वाला था मैं हूँ क्या जान दो बोल कौन सा पोल नॉर्थ पोल मतलब कौन सा एरिया पोलर एरिया में टेम्परेचर किसमें होता है माइनस पे होता है लेकिन 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है मतलब माइनस 20 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस बराबर उसके बाद नीचे कौन सा लाइन होता है बराबर ठीक है इक्वेटर का कंडीशन है सर इक्वेटर में ऑलरेडी आपने देखा कि इक्वेटर का टेंपरेचर ज्यादा होता है और इक्वेटर पे रेनफॉल भी क्या होता है बराबर सुनो नॉर्थ पोल और कैंसर के बीच में और एक लाइन होता है जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेट क्या बोलते हैं ठीक है सेम टेम्परेट बोर्ड पे ध्यान दो पहले ठीक है उसके बाद कैंसर और इक्वेटर के बीच में और एक लाइन होता है जिसको अपन बोलते हैं मिड लैटिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड सेम यहाँ पे भी आएगा या नहीं आएगा ठीक है हो गया ये सर मैं आपने आप टेम्परेट को सर आप सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो आपने ऑलरेडी बोला कैंसर से लेके कैप्रिकॉन ये कौन सा एरिया है ट्रॉपिकल एरिया बराबर तो सर आपने बोला कि कैंसर से लेके कैप्रिकॉन तक पूरा ये ट्रॉपिकल एरिया है और आपने ये भी बोला था ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा बराबर ठीक है ये हो गया कंसेप्ट आपने बोला था नॉर्थ पोल से लेके कैंसर तक सर ये कौन सा एरिया है सब ट्रॉपिकल और आपने सर बोला था यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है कम सेम यहाँ पे भी या नहीं अभी आपने को देखने का ये सब जगह पे सैलिनिटी क्या है सैलिनिटी कम है सैलिनिटी ज्यादा है सैलिनिटी सेम किसका निकालने का सबसे पहले अपना पोलर एरिया का निकालने का पोलर एरिया के बाद टेम्परेट का या तो सिर्फ सब ट्रॉपिकल का उसके बाद किसका है मिड लैटिट्यूड किसका है इक्वेटर बराबर कितना हुआ एक दो तीन चार बराबर ठीक है देखने का आपसे होगी इनके इनमें सैलिनिटी क्या है ठीक है लिखा है मैंने शायद वहां पे लिखा है ना हां ये लिखा है देखो सबसे पहला ट्रॉपिकल जोन ओजोन जोन ट्रॉपिकल जोन में ऑलरेडी आपको मालूम है ट्रॉपिकल जोन में टेंपरेचर क्या है ठीक है ट्रॉपिकल जोन में टेंपरेचर ज्यादा इसका मतलब हीट ज्यादा फिर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और फिर ये तीनों चीज ज्यादा है तो आपको सैलिनिटी क्या मिलेगा इसका मतलब अपने को ट्रॉपिकल एरिया में सैलिनिटी क्या मिल रहा है ज्यादा सेकंड वन पोलर एरिया कौन सा एरिया सर आपने बोला पोलर एरिया में टेम्परेचर बहुत कम होता है टेम्परेचर -10 के नीचे होता है तो सर वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा हीट कम रेट ऑफ इवेपोरेशन कम तो सैलिनिटी भी क्या रहेगा कम तो सर अपने को पोलर एरिया में सैलिनिटी क्या मिला कम मिला ठीक है अभी टेम्परेट जोन मतलब कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है लेकिन सर ये तो पूरा ट्रॉपिकल ही हुआ ना किधर ही हुआ सर ट्रॉपिकल में इक्वेटर का लाइन भी आता है दो मिड लैटिट्यूड का लाइन भी आता है
बराबर। और आपने बोला था ट्रॉपिकल में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है सर। तो मिड लैटिट्यूड में रेनफॉल कम, रेनफॉल कम इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कम है या ज्यादा है, कम है। सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर भी कम है, वहां पे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है, हीट ज्यादा रहता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन सैलिनिटी भी क्या रहेगा ज्यादा। क्लियर हुआ? अभी लास्ट वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर। सर ऑलरेडी आप आपने बोला कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है बट रेनफॉल भी क्या होता है ज्यादा होता है। रेनफॉल ज्यादा होने से कुछ मतलब नहीं, वहां पे पहले से हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। सो टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, तो वहां पे सैलिनिटी भी क्या मिलेगा। तो ये जिन जिन पार्ट्स में आपने देखा सब पार्ट्स में अपने को सैलिनिटी सेम मिल रहा है क्या, नहीं सर, कहीं पे ज्यादा मिल रहा है सर, कहीं पे कम मिल रहा है। तो इससे मुझे ये बात प्रूफ होता है कि सर सबसे मेन प्रॉपर्टी है ना सैलिनिटी का, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर। समझा? कुछ डाउट है पार्ट्स में वगैरह? मैडम एक्सप्लेन कर सकते हो आप, है या नहीं? इजी है या डिफिकल्ट है? लिखने का यही, लिखने का यही कारण होता है लिखने का। एग्जाम से पढ़ा था तुमने, समझा? वो पूरे पैराग्राफ में क्या बोला उन्होंने कि सब एरियाज में सैलिनिटी क्या है, तो मैंने पोलर एरिया का बताया, मैंने टेम्परेट सब ट्रॉपिकल का बताया, मिड लैटिट्यूड इक्वेटर और मैंने ट्रॉपिकल का बताया। सब जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं है, सब जगह का टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो रेट ऑफ वेपोरेशन सेम नहीं रहेगा, रेट ऑफ वेपोरेशन सेम नहीं है तो वहां पे सैलिनिटी भी क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। इज इट क्लियर या नहीं? ठीक है, उसके बाद भी वही है, देखो इक्वेटर ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल पोलर वही है ना कि नहीं, जो मैंने बताया वही सेम। डेंसिटी पे आओ, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आवाज सुनाई दिया ना, फिर वहां पे आके देख आ वो निकलेगा। राज तेरा वीडियो ऑफ हुआ, ऑफलाइन में आएगा तू कि नहीं आएगा? हाँ, तो डेंसिटी इक्वल्स टू इनडायरेक्टली आप उसको वेट बोलते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, जब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस होता है या माइनस होता है? क्यों माइनस होता है? इवेपोरेट होता है ना, पानी का जो लेवल इतना रहता है वो लेवल कम हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से, गर्मी की वजह से। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो वेट कम ना, डेंसिटी कम ना कि ज्यादा? ठीक है, अभी कोल्ड वाटर का देख, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर का अगर मैं इतना ही पानी रखूं फ्रीजर में, मैंने इतना सा पानी रख दिया फ्रीजर में, तो सर इतने से ही पानी का इतना ही आइस नहीं बनेगा, आइस फॉर्म होते जाता है, आइस का हो जाता है फॉर्म, दो मिनट बस। अगर मैंने इतना पानी रखा है तो इतने से पानी का सर इतना आइस फॉर्म नहीं होगा, आइस कंटिन्यू फॉर्म हो जाता है। तो कोल्ड वाटर में मॉलिक्यूल्स प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब सर डेंसिटी तो जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? इसका वेट ज्यादा है वो सर नीचे रहेगा, जिसका वेट कम है वो ऊपर रहेगा। तो ऊपर कौन सा वाटर मिल रहा है, हॉट वाटर, नीचे कौन सा वाटर, इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। समझा? चलिए समझो, चैप्टर खत्म है, इसका मतलब ये लेक्चर खत्म, ओरल्स अगले लेने के लिए वही आने वाला, जैसे भी ओरल्स तैयार अबे कभी ज्योग्राफी का ओरल्स वगैरह कुछ बोला आपको यार, व्हाटएवर तो दो तीन तार ऐसा फ्यूज हुआ है ना, चक्कर चक्कर होता है। Thank you.
सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सर वीडियो ऑफ करो, आप लोग ऑन करो। तो थोड़ा फर्क है।